चलो मैं प्लस टू पुट करके देख लेती हूँ. टू स्क्वायर फोर, फाइव इंटू टू टेन, सिक्स प्लस फोर टेन, माइनस टेन जीरो. देयरफोर वाई माइनस दिस टर्म, एक्स माइनस ए होता था ना, तो वाई माइनस टू इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ये तो हमारे पास आया एक फैक्टर. अब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? टू. जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे. यहां पे डिग्री है टू, तो मेरे पास फैक्टर्स भी आएंगे टू. एक फैक्टर आ गया. सो नेक्स्ट फैक्टर चेक करती हूं. मैंने वाई को पुट किया थ्री. सो पी ऑफ थ्री, थ्री स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस सिक्स, थ्री स्क्वायर नाइन माइनस फिफ्टीन, नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन इज जीरो. सो वाई माइनस थ्री इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल थी वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, और इसके फैक्टर्स आए वाई माइनस टू, वाई माइनस थ्री. हाईएस्ट डिग्री है पॉलिनोमियल की टू. हाईएस्ट डिग्री है टू, तो फैक्टर्स भी आएंगे टू. जितनी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे उस गिवन पॉलिनोमियल के. क्लियर है ये कंसेप्ट? नेक्स्ट पे चलें. नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज जिनके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज में. सो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, अभी नहीं हमेशा के लिए, क्योंकि ये आइडेंटिटीज आगे आगे भी हमारे जितनी देर भी हम मैथ्स पढ़ेंगे यूज होंगी. सो आइडेंटिटीज, हमने इसमें से थोड़ी सी आइडेंटिटीज जो प्रीवियस क्लास में भी की हुई है. नंबर वन, ए प्लस बी होल स्क्वायर. नंबर टू, ए माइनस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी. ये चार आइडेंटिटीज आपको देखने पे लग रहा होगा कि आपने पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लास में. ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी. एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये हमने एट क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर में आइडेंटिटीज को पढ़ा है. तो ये चार आइडेंटिटीज तो आप सबको आती है. ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी. एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हम पढ़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. अब अगर तीन टर्म्स आ गई उनका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. नेक्स्ट आइडेंटिटीज पढ़ेंगे क्यूब की. सिक्स, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब. ये किसके इक्वल होते हैं? ए प्लस बी होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी. ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी. आप चाहो तो ये ब्रैकेट जो ये वाली है इसे ओपन भी कर सकते हो. तो क्या लिखेंगे इसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. जिस मेथड से आपको इजी लगे आप याद कर सकते हो. ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस थ्री ए
b square. This is the seventh identity. Eighth identity, एक और identity है जिसे हम करेंगे. पहले दोबारा से बता रही हूँ, first four identities हमने की हुई है. Fifth क्या है, a plus b plus c whole square. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. नेक्स्ट है होल क्यूब की आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी. नाउ द नेक्स्ट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी इनका क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. आपकी बुक में जो आइडेंटिटीज दी है ए और बी की जगह पे एक्स वाई और सी की जगह पे जेड है, तो आप चाहे तो उस मेथड से कर लो. यहाँ पे मैंने ए बी इसलिए लिखे कि शायद मैंने जो एट क्लास में भी आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर के ही से ही करवाई है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना. ए और बी लिख लो, एक्स वाई जेड लिख लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. आपको जैसे इजी लगते हैं वैसे आप आइडेंटिटी को याद कर सकते हो. तो हमने फोर्थ तक जो आइडेंटिटीज है वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है. नेक्स्ट फिफ्थ से लेके एट तक आइडेंटिटीज इस क्लास में और एड हो गई. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, थ्री टर्म्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. होल क्यूब की आइडेंटिटीज भी आपको याद रखनी है, कई क्वेश्चंस में हम नेक्स्ट क्लासेस में भी इसे यूज करेंगे. ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी आइडेंटिटी कैसे आई, तो आप राइट हैंड साइड की ब्रैकेट्स को ओपन करके देखिए, तो हमारे पास इस केस में यही आएगा. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार इसकी रिविजन से कि क्या पढ़ा हमने. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या है, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उस वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव और इंटेग्रल पावर्स होनी चाहिए, होल नंबर होने चाहिए और क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए. अगर कोई भी पावर डेसिमल्स में है या नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी. पॉली मीन्स मेनी एंड नॉमियल मीन्स टर्म. अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, द वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग. कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स है फॉर अ थ्रू आउट द होल सिचुएशन. ये जो भी सिचुएशन गिवन है उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे सेम ही रहेगी, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होगी. वेरिएबल को हम यूजली डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड टी यू वी डब्ल्यू एक्सेट्रा, कोई भी अल्फाबेट से हम वेरिएबल्स को लिखते हैं. पॉलिनोमियल्स की हमने नेमिंग की है अकॉर्डिंग टू द डिग्री एंड द नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स अगर वन है तो उसको पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल. नंबर ऑफ टर्म्स टू है तो बाइनोमियल, बाई मीन्स टू. नंबर ऑफ टर्म्स थ्री है, थ्री मीन्स ट्राई, तो ट्राइनोमियल. अगर डिग्री की बात करें, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिग्री. दो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो होगी डिग्री. इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी डेट इज डिग्री. अगर डिग्री जीरो है उस तरह की पॉलिनोमियल को हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री वन तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री टू तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री थ्री तो क्यूबिक पॉलिनोमियल. डिग्रीज और के बाद हमने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम. अगर हम किसी भी एक सिंपल नंबर को, हमने एग्जांपल ली थी कि 3 को 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है 0. तो इट मींस जो 3 है दैट इज फैक्टर ऑफ 18, या हम कहें 18 इज मल्टीपल ऑफ 3. अगर 6 को 21 को 6 से डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचता है. तो जो 6 है इज नॉट द फैक्टर ऑफ 21. फैक्टर कब होगा, डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड
ओनली इफ रिमाइंडर इज जीरो. अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो डिवाइजर फैक्टर नहीं है. हमने इसकी पॉलिनोमियल की एग्जांपल भी ली थी. पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने पर अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है, रिमाइंडर जीरो आता है, तो डेट जी एक्स जिस पॉलिनोमियल से, जिस डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड को, डेट इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अदरवाइज नो. तो रिमाइंडर थ्योरम हमने करी थी, वो क्या कहती है, अगर पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड ए बी एनी रियल नंबर, अगर हम उसे डिवाइड कर रहे हैं किसी एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल से, देन पी ए इज इक्वल टू आर. तो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. जी एक्स क्या है, डिवाइजर, क्यू एक्स इज कोशेंट, आर एक्स इज रिमाइंडर एंड पी एक्स इज द गिवन पॉलिनोमियल दैट इज डिविडेंड. तो ये हमारे पास इक्वेशन है. अब हमें ये पता है कि जो रिमाइंडर की डिग्री होती है वो लेस होती है डिग्री ऑफ डिवाइजर वाली टर्म जी एक्स से. अब हमारे पास अगर जी एक्स जो लीनियर पॉलिनोमियल थी तो उसकी डिग्री होगी वन, तो रिमाइंडर की डिग्री होगी जीरो. इट मीन्स अगर रिमाइंडर की डिग्री जीरो है तो रिमाइंडर कोई कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है. हमने मान लिया आर एक्स इज इक्वल टू आर. हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए से, तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आई ए. तो पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू एट पॉइंट ए पे फाइंड की, तो पी ए इज इक्वल टू आर. तो इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करके दिखाए थे कि अगर हमें दिया हुआ है हम जीरो फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर. अब फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है कि अगर किसी पॉलिनोमियल पी एक्स जिसकी डिग्री एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. फैक्टराइजेशन हम टू मेथड से कर सकते हैं, एक बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा है कि वो कैसे करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और दूसरा मेथड है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम मेथड से करने के लिए जो भी कांस्टेंट टर्म होगी लास्ट में उसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे. जैसे हमने एग्जांपल जो ली थी वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, तो सिक्स के पॉसिबल फैक्टर्स थे प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री. हिट एंड ट्रायल मेथड से एक एक वैल्यू, जैसे पहले एक्स की वैल्यू ले ली वन, देन माइनस वन टू, माइनस टू थ्री, माइनस थ्री, इस तरह से. जिस केस में हमारे पास p ऑफ एक्स ए जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, वो होगा फैक्टर. जैसे हमने जब टू पुट किया था तो रिमाइंडर जीरो आया था, तो फैक्टर इज y माइनस टू. थ्री पुट किया था तो वैल्यू जीरो आई थी, तो अदर फैक्टर इज y माइनस थ्री. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे. जैसे वाई स्क्वायर में हाईएस्ट डिग्री है टू, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स भी होंगे इस पॉलिनोमियल के टू. अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे थ्री. उसके बाद हमने की आइडेंटिटीज, जो हमने फोर आइडेंटिटीज प्रीवियस क्लास में भी करी हुई है, फोर न्यू एड हुई है जिन्हें आपको याद रखना है. इन्हीं आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे. क्लियर है?